हे गाइस, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत कूल एंड हाईटेक गैजेट्स की दुनिया पावर गैजेट्स में। गाइस, गैजेट को तो हम शुरू से यूज करते चले हैं। गैजेट्स को लिटरली देखा जाए तो छोटे से लेकर बड़े कामों में हम यूज करते हैं। बेसिकली गाइस, अगर हमें अपने कामों को आसान बनाना होता है तो हम गैजेट को यूज करना पड़ता है। और ऐसे में ही मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कूल एंड हाईटेक गैजेट। और आज भी आप देखेंगे कुछ ऐसे इन्वेंशन और कुछ ऐसे स्मार्ट गैजेट जो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट में काफी आपके काम आएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक ले गाइस, आप बैठ जाइए रिलैक्स होकर और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस, आज की हम शुरुआत करते हैं बॉक्स नॉट एयर से। गाइस, आज के स्मार्ट जनरेशन में हम स्मार्टफोन और स्मार्ट टैबलेट को काफी ज्यादा यूज करते हैं, पर आप जिस गैजेट को देख रहे हैं ये एक टैब है। वैसे तो हम नॉर्मल टैब को देखते चले आए हैं, उनसे ये काफी ज्यादा अलग है और ये एक गैस्टर बेस्ड होता है जो कि थिकनेस भी इसकी काफी ज्यादा कम होती है। साथ ही इसकी थिकनेस भी 5.8 मिलीमीटर तक की होती है। वैसे भी गाइस, आजकल के स्मार्टफोन और स्मार्ट टैबलेट को हम ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं तो हमारी आईज में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसे काफी ध्यान में रखते हुए इसकी फ्रंट लाइट को एडजस्टेबल बनाया गया है। साथ ही इसकी थिकनेस भी काफी कम होती है, जिससे आप कम्फर्ट भी फील कर पाएंगे। और ये टैब भी बेसिकली रेडीमेड राइटिंग वगैरह के लिए बनाया गया है, जिससे आप कुछ लिखेंगे तो आपको पेपर जैसी फीलिंग आएगी और इसे आप डॉक्यूमेंट्स फाइल जैसे रीड भी कर पाएंगे। साथ ही इसके A5 साइज फोकस के साथ आप रीडिंग भी कर पाएंगे। साथ ही इसका स्टोरेज भी आपको काफी मिलता है। वैसे तो गाइस, इसमें फीलिंग भी आपको पेपर वाली मिलेगी, उससे भी काफी ज्यादा बेटर और काफी स्मूथ मिलेगी, जिससे आपको काफी सारी नोटबुक को कैरी भी नहीं करना पड़ेगा, न ही आपको परचेज करना पड़ेगा। आप इसमें एक नोटबुक की तरह काम भी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस, ये स्मार्ट होने के चलते स्टूडेंट के लिए भी काफी ज्यादा बेस्ट है। हेरिना टेक स्मार्ट अल्टीमेट बैग। गैस, आज के टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, उसी हिसाब से फर्नीचर भी काफी चेंजमेंट देखने को मिल रहे हैं। चाहे बात हो रही हो बेड की या फिर टेबल की, ये सभी काफी कम स्पेस में एडजस्ट हो जाते हैं। इसीलिए गैस, ये ऑसम सा फर्नीचर है। ये कहने को तो एक बेड है, पर इसकी जो स्टोरेज वेराइटी वो काफी ज्यादा वाइड है। अगर आपके रूम में काफी ज्यादा स्पेस ना हो और आपको काफी हाई टेक चीजें पसंद है तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें आपको बेड, सोफा, डेस्क और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें एक मसाज चेयर भी मौजूद होती है, जिससे आप वर्क के दौरान भी स्ट्रेस को काफी कम कर सकते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप पर वर्क कर रहे हैं तो आपको इसमें कंफर्ट के हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। और अगर हम इसके और भी हाईटेक फीचर के बारे में बात करें तो इसमें ब्लूटूथ स्पीकर और इसकी LED लैंप भी मौजूद होती है। और जहां तक इसमें आपको चार्जिंग स्टेशन भी मौजूद मिलेगा, जिससे आप अपने फोन वगैरह को भी चार्ज कर पाएंगे। तो ओवरऑल गाइस, जिन चीजों की आपको जरूरत होती है वो सारी चीजें इस लग्जरी बेड में आपको मिल जाएगी। फिडोडी 11। गैस, अगर हम बात करें ई बाइक की तो वैसे तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है, पर ई बाइक्स ऑसम और हाईटेक और क्रिएटिव हो और साथ ही मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही साथ फन भी हो, तो आईडोडी 11 भी एक फ्यूचरिस्टिक ई बाइक है। वैसे तो हम नॉर्मल बाइसाइकिल से भी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, पर आप इस ई बाइक से एक अलग ही मजा ले पाएंगे। वैसे भी गैस, इसका साइज भी काफी ज्यादा नहीं होता है, यानी एक लाइट वेट भी होती है और ये ई बाइक 100 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को कवर भी कर सकती है। वैसे देखा जाए तो इतनी छोटी सी ई बाइक में इतनी ज्यादा कैपेसिटी तो मिलती नहीं है, पर इस ई बाइक में कुछ ज्यादा इक्विपमेंट्स के लिए ज्यादा स्पेस नहीं होता है। सिंपली इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स को यूज किया गया है वो पूरी तरीके से यूजलेस है। और इसके फ्रंट में एक टेल लाइट भी होती है, साथ ही इसके सीट के नीचे एक बैटरी भी अटैच होती है। इसकी एक खास बात इसे और भी ज्यादा यूनिक बनाती है, जिससे आप इजिली इसे फोल्ड करके अपनी कार वगैरह में भी कैरी कर सकते हैं। इकोलोन रोवर। गाइस, अब हम मिलते हैं एक ऐसे एक्सरसाइज गैजेट से, जिसे बड़े ही आराम से आप अपने घर में जिम वगैरह को कर सकते हैं। ये रोवर नाम का एक ऐसा फिटनेस इक्विपमेंट होता है जो कि फिटनेस एक्सरसाइज को कवर कर लेता है। वैसे तो गाइस, एक्सरसाइज के लिए हमें जिम वगैरह जाना पड़ता है, पर अगर आप कोविड की वजह से जाना पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने घर में इकोलोन रोवर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फुट सपोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपनी पोजीशन एंड कंफर्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं और फिर रोइंग करके एक्सरसाइज के एडवांटेजेस को ले सकते हैं, वो भी रेगुलर पर्पस। नहीं, आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप इसके स्टार्टर लेवल को अपने हिसाब से बढ़ा सकेंगे। जैसे जैसे आप इसके स्टार्टर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। साथ ही इसमें टोटल 32 लेवल्स होते हैं रेजिस्टेंस के। साथ ही अगर आपको रोइंग लेसन लेना होता है तो आपको इसमें कुछ टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। ये पूरी तरह से रिवर्सिबल होता है, जिससे आप अपनी पोजीशन के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। इसका जो बढ़िया फीचर है, इसमें आप वीडियो को प्ले करके वीडियो को देखते हुए एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस, इस गैजेट से बिना आप अपने घर
से निकली हुई डेली बेसिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो इसीलिए गाइस वर्कआउट के तौर पर ये गैजेट आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकता है। नेट एटमो गाइस ये एक स्मार्ट डोर लॉक की है जो कि होम सिस्टम को पहुंचा देती है नेक्स्ट लेवल पर। वैसे तो हम डोर लॉक करते हैं तो उनकी कीज को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं गिरा देते हैं, पर आज आप एक ऐसी की से मिलेंगे जो पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल होती है। और इसमें एक बात तो यूनिक है कि इस की को आप अपने स्मार्टफोन से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, वो भी एक क्लिक से। वैसे तो ये चाबी भी एक नॉर्मल की जैसी लगती है, पर अगर आप कहीं भी भूल जाते हैं या फिर गिरा देते हैं तो इससे कोई भी रिस्क नहीं होता है। सिंपली आप इसे अपने स्मार्टफोन से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, जिसके बाद आप एक न्यू सेट की कीज से आप यूज भी कर पाएंगे। इवन अगर आप अपने की को कहीं भूल जाते तो आप अपने स्मार्टफोन से की को यूज भी कर सकते हैं, यानी सीधे सीधे अपने स्मार्ट की को अपने स्मार्टफोन से लॉक भी कर सकते हैं। वैसे भी गाइस कीज खो जाने पर सिक्योरिटी तो रिस्क में आ ही जाती है और हमें लॉक भी रिप्लेस करना पड़ता है, पर आपको नेट एटमो लॉक को आपको रिप्लेस भी नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपने स्मार्टफोन की को एक्टिवेट करना होता है। सिंपली आप अपने स्मार्टफोन से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस ये हाई सिक्योरिटी सिस्टम तो है ही और बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट के साथ में। थ्री कॉइल प्योना गाइस अब आप मिलिए एक खास तरह के गैजेट से। इसका जो डिजाइन है वो देखने में तो एक मिनी साइज की गन जैसा लगता है। बेसिकली एक ब्लेड नाइफ होती है। वैसे तो हमें छोटे मोटे कामों के लिए टूल्स वगैरह की जरूरत पड़ती रहती है, लाइक स्क्रू ड्राइवर या फिर ब्लेड वगैरह की। आप इस गैजेट को एक गन की तरह असेंबल करते हैं तो ये छोटी सी गन की तरह लगती है। अगर आपको इसमें से कोई भी टूल्स की जरूरत पड़ती तो आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आती है एक स्टाइलिश छोटे से कैरी केस में। ये टूल आपके इरिटेशन से भी बचा लेगा, न ही आपको टूल वगैरह को अलग अलग रखना पड़ता है। और इसका जो गन वाला लुक होता है वो काफी ज्यादा औसम इसे बना देता है, वो भी दूसरे मल्टी टूल के कंपेरिजन में। तो ओवरऑल गाइस एक कॉम्पैक्ट होने के चलते थ्री कॉइल प्यूना एक बेस्ट चॉइस हो जाता है। टाइपेन 2.0 गाइस ये 6 सेंटीमीटर का दिखने वाला एक छोटा सा पॉकेट साइज गैजेट है जो एक टाइटेनियम पेन जैसा होता है। गाइस एक चीज और मैं बता दूं, ये देखने में तो एक छोटा सा गैजेट लग रहा है, पर जो इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसका टफनेस है उतनी ज्यादा ये काफी ज्यादा स्मूथ है, क्योंकि एक साइज का इजी टू कैरी पेन है जिसे आप लिखने के लिए तो यूज कर ही सकते हैं। साथ ही ये टूल का भी काम कर देता है, साथ ही ये मल्टीपर्पज और किचन गैजेट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। वहीं ये वाटरप्रूफ तो होता ही है, साथ ही ये फायरप्रूफ भी होता है। इसका जो लुक है वो भी काफी ज्यादा इसे औसम बना देता है। इस पे की जाने वाली लेजर इंगेजमेंट इसके शार्प पॉइंट को छोटी मोटी चीजों को होल करने के लिए यूज कर सकते हैं, साथ ही इसे आप पेपर या फिर कार्डबोर्ड वगैरह को भी कट करने के लिए यूज कर पाएंगे। वैसे तो हमें छोटे मोटे कामों के नाइफ को ढूंढना पड़ता है, पर आप ऐसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं छोटे से गैजेट को। रन टेस्टी गाइस अब हम बात कर लेते हैं बैकपैक के बारे में, जिसका नेम है रन टेस्टी। ये एक मिनी साइज का बैकपैक वेस्ट है जिसे आप रनिंग के दौरान पहनकर अपने एसेंशियल को यूज कर सकते हैं। इवन अगर आप नॉर्मल वॉकिंग के लिए जाते हैं तो आपको कुछ चीजों को अपने साथ रखना जरूरी होता है जिन्हें हम अपने पॉकेट वगैरह में नहीं रख सकते हैं। वैसे भी गाइस अगर हम अपने स्मार्टफोन और वॉलेट वगैरह को अपने पॉकेट में रखते हैं तो हम कम्फर्ट के साथ रनिंग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए गाइस इस बैकपैक में आप अपने स्मार्टफोन और वॉलेट वगैरह को कैरी भी कर सकते हैं। ये बैकपैक की पॉकेट बिल्कुल भी लूज नहीं होती है, जब भी आप रनिंग करेंगे तो आपको डिस्टरबेंस भी बिल्कुल फील नहीं होगा और आप इससे कंफर्ट के साथ भी रनिंग कर सकते हैं। साथ ही इसमें चीजों को रख लेने के बाद इसके स्ट्रैप को आपको टाई कर लेना होगा, जिससे आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आपको वॉलेट और स्मार्टफोन को यूज करना हो तो आपको सिंपली इससे यूज कर सकते हैं। अगर गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं हर रोज आपके लिए नए नए गैजेट्स लाता रहूं। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं आपको और भी नए गैजेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।